हे गाइस एंड व्हाट्सअप। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एक उभरते सितारे और सबसे हैंडसम लौंडे के बारे में। अब हैंडसम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये या फिर ये, पर सॉरी गाइस, क्या है ना, इनमें से वो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मायने ही नहीं रखते। और खूबसूरती के साथ साथ उसके पास एक और टैलेंट है, वो है बातें करने का। मतलब उसकी बातें सुनकर लड़कियां तो लड़कियां, पर बुड्ढे भी ऐसा बोलते हैं। क्या कह दिया सो टुडे वी विल गोना टॉक अबाउट द वन एंड ओनली रॉकी सुपरस्टार। तो यार ये वो ही बंदा है जो पहले पान सुपारी खाएगा, फिर उसी को थोड़ा सा बालों में लगाएगा, प्रिया प्रकाश वॉरियर से भी ज्यादा वायरल स्माइल पास करेगा, और फिर दुनिया भर का ज्ञान बांटेगा। तो चलिए परम पूज्य श्री श्री ज्ञानी रॉकी जी के ज्ञान के सागर में हम भी थोड़ी सी डुबकी मार के आते हैं। भाई, अगर न्यूटन हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर सेब के जगह बम गिरता, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता। यार देखो, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपने ही बंदूक से अपने को ही गोली मारना। और अगर आपने ये कहावत सुनी है ना, तो भाई आप भी इससे कोई कम नहीं हो, क्योंकि ऐसी कोई कहावत ही नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहा था। ओके सॉरी, ओके टॉपिक पे वापस आते हुए, देखो एक होता है बेवकूफ होना, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, अगर तुम बेवकूफ हो तो हो, कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक है, ठीक है, ओके। पर अगर एक बंदा पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं बेवकूफ हूं, तो उसके साथ ना कुछ तो गलत है। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये बंदे की दिमाग की वायर कुछ तो गलत है, मतलब ऐसा बताना दुनिया को पाप है भाई, पाप जो कि ये इंसान रोज करता है। मतलब न्यूटन हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, यही होता है जब माँ बाप ना पढ़ने को पैसे दे और तुम उस पैसों का सस्ता नशा करो। भाई, आजकल बहुत लड़कियां लोग बोलती है लड़कियां क्या लड़कों से कम है। अगर जो लड़कियां मानती है लड़कों से कम नहीं, वो दाढ़ी रख के दिखाओ तो मैं मानू तुम लड़कों से कम नहीं हो। रख के दिखाओ दाढ़ी। भाई का लॉजिक लेवल देख रहे हो तुम लोग, मतलब लड़की दाढ़ी नहीं उगा सकती तो वो लड़कों से कम है। अब ऐसे में तो राखी सावंत भी बोलेगी कि लड़के बच्चों को जन्म दे के दिखाओ तो हम माने। अलग ही लेवल के बंदा है भाई ये, अलग ही लॉजिक चलता है इसका। यार, प्यार करने के लिए सब दिल ही क्यों लगाता है, कोई फेफड़ा क्यों नहीं लगाता। भाई दिल और फेफड़े का तो पता नहीं, पर दुआ करियो कि कोई लड़की दिमाग ना लगा दे, क्योंकि अगर किसी लड़की ने प्यार करती वक्त दिमाग का यूज कर लिया ना, तो जिंदगी भर तू ना अकेला ही सड़ेगा। मतलब तू इतना गंदा वाला अकेला होगा ना कि पोपटलाल भी तेरे को एक कुंवारे बोलकर चिढ़ाएगा। जो लड़की अपने लिए स्मार्ट और गुड लुकिंग बंदा ढूंढना चाहती है, उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, बिल्कुल। भाई सिंगल तो तेरी शक्ल में ही लिखा हुआ है। और बात रही स्मार्ट और हैंडसम की ना, तो मैं तेरे को ये बता देना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश मिश्रा वाले बाल, दीपक कलाल वाली शक्ल और राखी सावंत वाला दिमाग पाकर अगर कोई बंदा हो सकता है ना जिसके अंदर ये तीनों चीजें हो, तो वो तू है। मतलब तेरे से ज्यादा सुंदर ना लच्छा की स्माइल है, एग्जाम की फाइल है, बाथरूम में लगी टाइल है। समझ में आया क्या? पता है भाई, मोबाइल का खोज अमेरिका ने किया, सिम कार्ड का खोज जापान ने किया, तो क्या हमारा भारत कम है किसी से? उसने मिस कॉल का खोज कर दिया। जियो के जमाने में भी मिस कॉल करना, भाई ये तो अलग ही लेवल का पाप है, सबसे ऊपर लेवल का पाप है। तू कितने पाप करेगा यार एक जन्म में, ये बंदा कितने पाप करेगा, इसका तो पाप का घड़ा भी नहीं भर रहा, हद है यार। इसका नाम ना रॉकी नहीं, पापी होना चाहिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, घंटे भी बजाए, घंटा भी बजाए, जो मन चाहे वो करे। थैंक यू, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।